हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज अभिमन्यु आईएएस, अ प्लेटफॉर्म विच हैज मोर देन 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड हैज गिवन आउट मोर देन 2200 पॉजिटिव रिजल्ट्स सिंस 1999. एवरी सीरियस एस्पायरेंट नोज कि अगर आपके करंट अफेयर सॉर्टेड हैं, दैट मीन्स यू आर प्रैक्टिकली एंश्योरिंग योर सिलेक्शन इन एनी सिविल सर्विस फॉर दैट मैटर. नाउ दिस वीडियो इज पार्ट वन ऑफ द सीरीज जहां पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा. पार्ट वन है ये. कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहां पे रिलीज किया जाएगा. सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें. लिंक के अंदर जब जाएंगे वहां पे आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे. वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो. लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा. फॉर नाउ टेक द प्रिंटआउट्स, सिट विद द पेन एंड द अटेंटिव माइंड्स. लेट्स बिगिन. राइट, चलिए शुरू करें. टॉपिक आज का डॉक्यूमेंट एक रह गया ना. ठीक, अच्छा बच्चे ऑनलाइन भी चले गए हैं, एक बारी मुझे लिख के बता दो कि किस किस को नहीं आया है. मैं लिस्ट बना लेता हूँ, वहाँ पे थोड़े ज़्यादा आंसर्स होते हैं, एक आधा स्किप हो गया होगा बीच में से. जिस जिस का भी जिसको ऑनलाइन में रिप्लाई नहीं आया है, जस्ट लेट मी नो. मैं नाम नोट कर लेता हूँ, फिर उन लोगों को मैं स्पेसिफिकली सर्च कर लूँगा उसमें. बस एक को नहीं मिला है कोमल. आपको सारे नहीं मिले हैं कि आखिरी वाले दो नहीं मिले? मुझे एक बारी आप ये भी कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि अगर सारे नहीं मिले हो सकता है आपकी मेल आप कहीं और भेज रहे हो. अगर मिले हैं तो मतलब कुछ मिस हुआ है. हाँ जी, ठीक चल रहा है. आंसर लिखा था आपने इस बार, है ना? ठीक है, जो लास्ट टाइम आंसर मिला वो किस किसने लिख लिया? सबमिट करा दिया यहाँ पे? थोड़े हाथ बड़े खड़े कर लो यार. ठीक है, और आप लोग, आप में से किसी को मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था एक, वो कौन था यहाँ पे? वो करा? ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर. आ जाओ, जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं बच्चे, ठीक है, कोमल एंड दीपांश. ठीक है बच्चे, आपका नाम नोट कर लिया मैंने. मैं आज ही सर्च करके आपको आज के आज ये भेज देता हूँ. सुरेश सर, स्टार्टिंग में बारात वाला एग्जांपल क्या दिया मैंने, आज सारी चीज उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है ना? घर से निकल ही नहीं पा रही है. वहीं फंसी हुई है, कोई ना कोई आ ही जा रहा है, कोई ना कोई. डॉक्यूमेंट आ गए बच्चे आपके पास? आ जाओ. इकोनॉमी में जब भी हम किसी भी टाइप के प्रोडक्शन की बात करते हैं, राइट, तो अगर हमने उस प्रोडक्शन को समझना होता है, हम ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले निकालते हैं, राइट, कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसके अंदर टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर, बेसिकली अगर आप डॉक्यूमेंट देखेंगे बच्चे, फोर की फैक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात की हुई है. कि एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये टॉपिक मेरे को इसलिए इंपॉर्टेंट लग रहा था कि अगर आपको टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर के इंटरसेक्शन पे कोई सवाल आएगा तो वो इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, है ना? तो एक बार हम अगर आज ये समझ लेंगे तो इट्स डन, फिर आपको टेक्नोलॉजी में बाहर जाने की जरूरत नहीं है. कोई भी टॉपिक होगा इसी के बीच में फिट करना है कि इन चार फैक्टर्स में कहाँ पे किस जगह पे सरकार काम करना चाह रही है, किस जगह पे इनोवेशन आई है, राइट. आइए देखते हैं, फोर की फैक्टर्स की बात हुई है यहाँ पे, है ना? देयर आर फोर की फैक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. क्या क्या है वो? जेनेटिक्स, क्रॉप न्यूट्रिशन, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड एग्रोनॉमिक इंटरवेंशंस. ठीक है जी, जस्ट इससे आगे अगर हम बढ़ने से पहले मुझे बताओगे कि ट्रेडिशनल फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या होते हैं?
एक अगर आप कुछ प्रोड्यूस करना चाह रहे हो एग्रीकल्चरली स्पीकिंग, राइट, तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, लैंड रहेगा और लेबर, हाँ, है ना? तो बेसिक बेसिक लिख लो साइड पे, थोड़ा सा आपको अंदाजा रहेगा हम किस एंगल पे बात कर रहे हैं. ट्रेडिशनल फैक्टर्स, कौन कौन से? लैंड, वाटर, लेबर, एनर्जी. लैंड समझ में आ रहा है? मतलब आप ना लैंड के आगे भी एक डाटा लिख लो, थोड़ा आपका एसे वगैरह में काम आ जाएगा. इंडिया सॉ एन एग्रीकल्चरल ग्रोथ ऑफ 2.8% पर ईयर फ्रॉम 1950-51 टू 1961-62. ड्यू टू इंक्रीज इन कल्टिवेटेड लैंड. तो मतलब अगर हम कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, है ना, तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है आपके फाइनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर. तो उसको बता रहे हैं कि कल्टिवेटेड लैंड इंक्रीज हुई थी. जस्ट फॉर योर रेफरेंस, 118 लाख हेक्टेयर से 135 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया था इस पीरियड के दौरान. न्यू लैंड आई थी अंडर कल्टीवेशन, राइट, तो उसकी वजह से 2.8% ग्रोथ हुई थी आपके एग्रीकल्चर के अंदर, है ना. ये आपका ट्रेडिशनल फैक्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम. वाटर आपको समझ में आता है, लेबर आपको समझ में आता है, ये लेबर की जब हम बात कर रहे हैं ये ह्यूमन लेबर की बात हो रही है. एंड जब हमने एनर्जी अलग से मेंशन कर दिया वहाँ पे, वो एनर्जी का मतलब ये है कि देयर वर सर्टेन एनिमल्स जो हम यूज़ करते थे फॉर एनर्जी, है ना, जैसे बुल्स को यूज़ करते थे फॉर प्लोइंग द फील्ड और वो पीसने के लिए, है ना, इसके अलावा पानी निकालने के लिए, राइट, उसकी जगह पे दूसरी मशीन्स आ गई हैं, तो उसको एनर्जी बोला जा रहा है, राइट. और लेबर इज लेबर, कि ट्रेडिशनल लेबर से हमने शिफ्ट करके हमने फार्म इक्विपमेंट्स यूज करने शुरू कर दिए, राइट. तो दो अलग चीजें हैं ये. तो अगर आपके पास सवाल आता है वहां पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट या इज अ पार्ट, इज अ फैक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल फैक्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो ये चार वहां पे फैक्टर हैं, तो एक को वो हटा के कुछ और लिख देगा यहाँ पे. तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए ये टॉपिक कर रहे हैं हम लोग. तो कंफ्यूज नहीं होना कि लेबर और एनर्जी सेम चीज है या नहीं है, अलग है. आइए बच्चे, अब वापस आ जाइए उसमें. फैक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये आपको समझ में आ रहा है क्योंकि हम चार फैक्टर्स की बात कर रहे हैं. जोन से भी नहीं समझ में आ रहा होगा पूछ लेना. नेक्स्ट इज क्रॉप न्यूट्रिशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स विद हायर एनपीके, क्रॉप यील्ड्स को बढ़ाने के लिए, राइट, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट वी हैव क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजीज, एक बारी क्रॉप लग गई है कि अब क्रॉप खराब ना हो, दैट प्रोटेक्शन, डिफेंडिंग अगेंस्ट पेस्ट डिजीजेस, एनहांस यील्ड्स. बाय द वे, जब हम लोग स्टबल बर्निंग की बात करते हैं तो उसमें ना सिर्फ एक ही बच्चे ने एक वो पॉइंट मेंशन किया था कि देयर आर सर्टेन गुड पेस्ट्स आल्सो, राइट. आपको क्रॉप जब आप लगाते हो तो देयर आर सर्टेन पेस्ट जो एक्चुअली आपकी क्रॉप को प्रोटेक्ट भी करते हैं, राइट. तो वो भी लॉस होता है उसके अंदर, है ना. तो स्टबल बर्निंग के अंदर एक जब हम इन्वायरमेंटल लॉस की बात करते हैं, देयर आर बेसिक बेसिक एंगल सबको पता है, सॉइल फर्टिलिटी लॉस हो गई है, इन्वायरमेंट में CO CH4 चला गया, है ना, उसकी वजह से स्मॉग हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो रही है, राइट, और दैट इज ऑल, है ना. उसमें किया क्या जा सकता है उस क्वेश्चन के अंदर, कि आप इनको डिवाइड कर सकते हो अंडर वेरियस हेडिंग्स, राइट. जैसे एक का आंसर था उसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था,
एक एनवायरमेंट फैक्टर कर दिया, दूसरा ऑन ह्यूमंस कर दिया, दो हो गए राइट। इसको एक ने किया हुआ था शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। शॉर्ट टर्म में हो गया कि इन दिनों के अराउंड दिल्ली और इसमें स्मॉग वगैरह आ जाती है ना। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये हुआ कि ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है राइट। तो इसके अंदर आप स्ट्रक्चर जितना बेटर करोगे अपने आंसर्स का उतना बेटर हो जाएगा। अभी जो कुछ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है आंसर्स के अंदर वो स्ट्रक्चर की ही है। अगर आपके कम मार्क्स आएंगे दैट इज नॉट ड्यू टू कंटेंट, इट इज ड्यू टू स्ट्रक्चर। इस बात को समझ जाओ, कंटेंट आपका हो चुका है, यू आर डन विद द कंटेंट नाउ। कंटेंट कुछ कुछ क्वेश्चन है ही नहीं ऐसा, आपसे पूछा ही नहीं हुआ। एक सवाल किसी ने दिया हुआ था, उन्होंने पूरी परसेंटेज में डिवाइड करके दे दिया कि कितने परसेंट CO निकल रही है, कितने परसेंट CH4 निकल रही है ना, विच इज इम्प्रेसिव बट नॉट रिक्वायर्ड है ना। यहाँ उस पर बात ही नहीं है, इसमें कंपोजिशन ऑफ पोल्यूशन नहीं पूछा हुआ है ना। उन्होंने पूछा है कि इसके आप प्रॉब्लम्स पूछी हुई थी, कॉन्सिक्वेंस पूछा हुआ था, प्रॉब्लम पूछी हुई थी, हाँ प्रॉब्लम ही थी, कॉन्सिक्वेंस तो हमने अफगानिस्तान वाले में की थी राइट। तो प्रॉब्लम पूछी हुई है तो आप ज्यादा टाइम स्ट्रक्चर सोचने पे लगा सकते हो। कम कंटेंट है आपके पास, मतलब अब कुछ भी अब नया कुछ होगा नहीं आपके लिए इन क्वेश्चंस में। खासकर मेंस देखा था आपने इस बार, पिछली बार वाला मेंस के क्वेश्चंस देखे? ओरे देखो, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ आप लोगों को बहुत साफ दिल से, जिस पेपर को हार्ड डाला है ना उसे देख लो एक बार। जो तुम देने जा रहे हो है ना, तुमने 400 मीटर रेस दौड़नी है अगर, और ट्रैक तो देख लो एक बार जाके कि 400 मीटर होता कितना है ना। तो एक बार ही जाके आप पेपर देखोगे, फिर आपको मेरी बात थोड़ी बेटर समझ में आएगी। एक काम करते हैं, इस बार आप रिवीजन टारगेट ये मत रखो, आप रिवीजन टारगेट के नाम पे यही रखो कि आपको पास्ट ईयर पेपर देखने, पिछले 3 साल के मेंस के, ज़्यादा नहीं होंगे कम ही होंगे, ऑप्शनल का आपके ऊपर है अगर आपने ऑप्शनल का भी देखना है, बट एटलीस्ट GS 1, 2, 3 ये ज़रूर देख लेना। ऐसे टॉपिक रहने देना, एथिक्स का भी रहने देना फिलहाल है ना, पर एटलीस्ट GS 1, 2, 3 ज़रूर आप देख के आना। थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि हम तैयारी कर कैसे रहे हैं, आपका ब्रेन उस हिसाब से ग्रैस्प करेगा चीज़ को है ना। बाकी कहानी सुननी हो तो मैं बाहर भी सुना दूंगा, पर ये सारी कहानी आपके लिए रेलिवेंट है आपके आंसर्स में, मतलब अल्टीमेटली, क्योंकि रैंकिंग जो है आपकी आपको पता होगा कि वो मेंस के बेसिस, मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे होती है, प्री के मार्क्स नहीं लगते हैं राइट। तो कंधे पे स्टार अगर लगाने हैं तो वो मेंस लगवा के देगा आपको, मेंस और इंटरव्यू राइट। आइए बच्चे आगे देखते हैं, मैकेनाइजेशन एंड एग्रोनॉमिक इंटरवेंशंस राइट। ये हम जो एनर्जी वाली बात कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी का फैक्टर यहां पे आता है बच्चे। नेक्स्ट वाला टॉपिक इंपैक्ट वाला आप एक बार खुद देखना। इसके अलावा मैंने आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी दिए हैं टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर बात करें, फार्मर सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि फार्मर्स को बेसिक इनकम और ये सब देना है, फसल बीमा योजना ये वो नहीं, फार्म मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए सरकार क्या कर रही है वो ये चीजें हैं बच्चे। वी हैव NEGPA, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर। ये क्या करता है, ये फंड करता है स्टेट और यूटी प्रोजेक्ट्स को दैट एम्प्लॉय एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, डेटा एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। नेक्स्ट वी हैव SMAM, देन यस टेक उसी के अंडर है। ये सारे इंपॉर्टेंट, अगर एग्रीकल्चर के ऊपर कोई सवाल आएगा तो वो इनमें से कहीं से छुप के आएगा। अब वो MSP वाले सवाल आने कम हो गए हैं कि किसको MSP मिलती है, किसको नहीं मिलती है, शुगर केन का क्या हिसाब किताब है, कॉटन कैसे बिकती है, जूट कैसे बिकती है, वीट कैसे बिकती है, ये ना बेसिक अब ऑल ओवर इंडिया बच्चों को पता है। 3-3, 4-4 साल सीजनड कैंडिडेट्स आते हैं वहाँ पे, अब उनको ये बेसिक रटा हुआ है पूरा, उनको रेट्स ही पता होंगे कि गेहूँ इस साल कितने की बिक्री है। अब एक बार बेसिक तैयार हो गया तो अब क्या करोगे और अखबार में क्या ही पढ़ोगे, यही सब याद रहता है फिर नेक्स्ट। तो वो सीजनड हो चुके हैं, सवाल आएगा इनसे कि कौन सी स्कीम के अंडर टेक्नोलॉजी के लिए क्या हो रहा है राइट। तो आप अंडरलाइन कर लेना बच्चे इसको। ठीक है बच्चे, इसमें इतना ही है, सिर्फ आपको टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स थोड़े समझने की जरूरत है।
अगर आपको याद होगा एक लखपति दीदी स्कीम थी जिसके अंदर हमने उनको ट्रेन करना था और ड्रोन्स की ट्रेनिंग है ना SHGs के थ्रू, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो सारी चीजें आपको कन्वर्ज होती हुई दिखेंगी है ना, और आपसे सवाल इसी के ऊपर पूछा जाएगा। वंस यू हैव द ओवरऑल पिक्चर तो आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, राइट? आगे चलते हैं बच्चे। ये UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब 50% चांस है इसके आने के, 50-50। हिमाचल में ज़्यादा चांस है, हरियाणा में ज़्यादा चांस है, और PCS के अंदर भी कम कम ही है, पंजाब PCS की बात कर रहा हूँ उसमें भी मीडियम चांस है इसका। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चे। कृषि सखीज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो मिनिस्ट्रीज ने मिलके जॉइंट मिशन लॉन्च किया है, तो UPSC अगर पूछेगा तो वो कुछ इस एंगल पे लेके जाएगा कि तीन मिनिस्ट्रीज का नाम दे देगा और बोलेगा कि किन कौन कौन सी एसोसिएटेड है, वन ओनली, वन एंड टू ओनली, इस टाइप का सवाल बनेगा इस पे ना। तो आपने याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो वाली मिनिस्ट्री नहीं है इधर, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है, वो मिनिस्ट्री नहीं है, रूरल डेवलपमेंट की और एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की है। तो वहाँ पे तीसरा ऑप्शन अगर आपको देंगे तो वो वही वाली मिनिस्ट्री का डालेंगे जिसके अंदर वुमेन नाम ही आ जाएगा, क्योंकि सखी लिखा हुआ है ना इधर, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। और इस टाइप की चीज़ में अगर आप तो दे रहे होंगे मॉक टेस्ट वगैरह, तो अगर आप इस टाइप की चीज़ में कंफ्यूज होते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप ना नोट्स में मेंशन कर लिया करो नॉट दिस, तो आपको याद रहेगा कि क्या नहीं है। बच्चे इसके साथ में ना आई वॉज फीलिंग कि आपको क्योंकि हम बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर और फार्मिंग के दो टॉपिक्स आ गए हैं, देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग, आर यू अवेयर अबाउट दैट, टाइप्स ऑफ फार्मिंग है ना, तो जोन जोन से जिसको नहीं पता होगी आप वो नोट कर सकते हो है ना, या मेरे को बता देना कि मैं वही वही लिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर वन वी हैव सबसिस्टेंस फार्मिंग, लिख लें क्या, एक एक लाइन लिख लेते हैं इस पे। एक काम करो इसका ना आप ऐसे बॉक्स बना लीजिए, मतलब ऐसे तीन में डिवाइड करना है आपने। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग लिखेंगे, ये छोटा बना लेना, यहाँ पे प्रोसीजर लिख लेते हैं और वहाँ पे बेनिफिट लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे बहुत। आपको आखिरी पेज खाली दे दिया गया है आज बाय द वे, इससे पहले कोई मेरे सामने मुंह बना के दिखाए कि अब कहाँ लिखे हैं इधर, पेज नंबर 14। और इसकी भी अगर किसी ने नोट किया तो इसकी जगह बड़ी है साइड पे। अगर इसका फॉन्ट साइज छोटा कर दें पढ़ पाओगे, तो फॉन्ट साइज इतना ही सही है, इतना ही ठीक है, छोटा करेंगे तो ओवरऑल भी तो पेजेस कम हो जाएंगे, तो स्पेस तो ठीक है। बच्चे आ जाइए, सबसिस्टेंस फार्मिंग नंबर वन, प्रोसीजर सेकंड प्रोसीजर में लिखिए आप, स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है आपको पंजाब के अंदर, UPSC थोड़ा अलग एंगल में पूछेगा, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएगा। ये हम ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं अभी, स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड कॉमा यूज ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। सबसिस्टेंस का मतलब ऐसे यही होता है अपने खाने के लिए उगाया जाता है, जो बहुत आसान भाषा में कहें तो प्रोसीजर ये है उसका। बेनिफिट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स कैन बी यूज्ड, ऐसे लिखिए, हाई यील्डिंग एंड वैरायटी ऑफ सीड्स कैन बी यूज्ड। जैसे प्लांटेशन फार्मिंग के अंदर आप ये नहीं कर सकते, एक ही टाइप के सीड यूज करने पड़ेंगे और एक ही टाइप की क्रॉप लगेगी उसमें, या आपके पास में लैंड है तो घर के साइड वाला गार्डन है आपका, कुछ भी लगा लो उसमें, इतनी सी भिंडी भी लगी हुई है, ये भी लगा हुआ है, वो भी लगा हुआ है, वो
नेक्स्ट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है, पता ही है आपको, जब फर्टिलिटी डिमिनिश होती है तो लैंड से मूव कर लिया जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब जूम कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब हमेशा यही नहीं है कि जाके जंगल ही कटेगा, राइट right? आपने सिर्फ जगह से मूव कर गए, आप यू शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो। बेनिफिट क्या है इसका, हेल्प्स इन पेस्ट कंट्रोल एंड गिव्स मैक्सिमम यील्ड। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब आप नए रिलेशन में आते हो ना, पुराने वाला छोड़ के, तो स्टार्टिंग में खुशी होते हो, है ना, तो गिव्स मैक्सिमम यील्ड। नेक्स्ट इज इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग ये रहेगी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यही खेत है ना, तो हम सारी जान झोंक देंगे इसी के अंदर, बहुत इंटेंसिटी के साथ इसको ग्रो करेंगे, राइट। लिख लीजिए इसको प्रोसीजर, स्मॉल फार्म्स कल्टीवेटेड यूजिंग लार्ज इनपुट्स ऑफ मैनुअल लेबर, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। जैसे सिंगल चाइल्ड नहीं होते पेरेंट्स के, आप में से कौन कौन है सिंगल चाइल्ड, तो कितना जोर लगा हुआ है तुम पे, तुम्हें बड़ा करने पे, कितने हो प्रोटेक्टेड और वो सब, है ना। तो वही आप इंटेंसिव फार्मिंग का रिजल्ट हो, एक के ऊपर एफर्ट मारा गया है, राइट। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा इसका बेनिफिट्स, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब ये खुद पे नहीं लेके जाना, ये तुम रिजल्ट के बाद पता लगेगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कॉमा मोर देन वन क्रॉप कैन बी ग्रोन। नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव फार्मिंग, बाकी बचे हुए सारे लोग लार्ज साइज्ड फील्ड्स, प्रोसीजर में लार्ज साइज्ड फील्ड्स कल्टीवेटेड यूजिंग मशीन्स। अच्छा थोड़ा सोच के बताओ, लेबर इनपुट पर यूनिट कम किस में रहेगी, एक्सटेंसिव में या इंटेंसिव में? द इनपुट ऑफ लेबर पर यूनिट एक्सटेंसिव वाले कितने, एक्सटेंसिव में कम रहेगी लेबर की कॉस्ट इनपुट की, या फिर इंटेंसिव, एक्सटेंसिव वाले कितने? थोड़ा दिमाग लगा के देखो, घर में अगर दो बच्चे हैं, खाना कितनी बार बनेगा? दो बार बनेगा, एक ही बार बनेगा, एक ही बार बनेगा, यानी कि इनपुट कम है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो एक्सटेंसिव इसीलिए की जाती है कि आपने मशीन्स को यूज कर लिया, है ना। तो लिख लीजिए इसको साथ में, द इनपुट ऑफ लेबर पर यूनिट इज लेस। तभी तो यूएस के वो जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो बहुत अमीर हो जाते हैं, पर यूनिट लेबर कॉस्ट कम हो जाती है। ओवरऑल लेबर कॉस्ट ज्यादा है, मैं पर यूनिट की बात कर रहा हूं। इस किस में? हाँ ओवरऑल, तो मतलब वो क्योंकि हमने आपके खेत का साइज एस्टेब्लिश ही नहीं किया। बेनिफिट क्या होगा इसका, एनहेंस प्रोडक्शन, सिंपल इनफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या कर रहे हो? सब में अगर इंक्रीज
नहीं 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 कंफ्यूज हो रहे हो आप, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में फर्क है, उसमें पर यूनिट ज्यादा मिलेगा आपको, आपने ज्यादा केयर करी है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक इतना खेत है, जब हम मैं आपको इंटेंसिव की बात कर रहा हूँ, लेट अस से कि एक एक टाइल के अराउंड ये जितना है ना, 2x2 की टाइल है शायद ये, तो इस टाइल के अंदर में से मैक्सिमम मैं कितनी क्रॉप ले सकता हूँ, है ना। तो इस टाइल में इंटेंसिव के अंदर ज्यादा मिलेगी मेरे को प्रोडक्टिविटी, पर यूनिट किसकी ज्यादा है, और जब मेरा खेत ही बड़ा हो गया तो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, ओवरऑल कितना निकल रहा है उसमें, मेरी पर टाइल में कम मिलेगा मुझे। अब अगर मेरे को पर टाइल में ज्यादा चाहिए, राइट, तो अगर आप पेज नंबर 1 खोलेंगे बच्चे, हाँ, इसमें ना जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग टॉप पे, तो वहां पे लिखा हुआ है हाई यील्डिंग वैरायटीज एंड ड्वार्फिंग जीन्स, ड्वार्फिंग जीन्स। तो जितना ज्यादा प्लांट आपका आप ड्वार्फ कर देते हो तो स्टैक हो जाता है ज्यादा, राइट, तो आपको वो ज्यादा प्रोडक्शन करके देता है। आपने ये देखा होगा, अगर आप ये वो कौन सी एयरपोर्ट रोड है चंडीगढ़ की तरफ, ट्रिब्यून चौक सीधा जाते हो तो वहां पे आपको मैंगो ट्रीज लगे हुए दिखते हैं, देखे वो ड्वार्फ है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपको झुक के तोड़ना पड़ेगा आम, राइट, तो उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो अगर आपको प्रोडक्टिविटी पर यूनिट कहीं पे भी इंक्रीज करनी है, आपको हाई यील्डिंग वैरायटी करनी पड़ेगी, ड्वार्फिक जीन्स के वाले जो आपके प्लांट्स हैं आपको वो लगाने पड़ेंगे वहाँ पे। ये लाइव एग्जांपल देखा होगा आपने, है ना, जब बंदे बैठ रहते हैं वहाँ पे, जाना मत उधर, है ना, वो पूछते भी नहीं है, वो डंडा पहले उठाते हैं, जाना नहीं है उधर से। आइए बच्चे नेक्स्ट देखिए, आप क्या लिखे अभी लास्ट हमने, हाँ, एनहेंस प्रोडक्शन, ओवरऑल की बात हो रही है, ये ज्यादा गेहूं की बोरियां निकलेंगी। नेक्स्ट इज प्लांटेशन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग सुना होगा आपने, हाँ, सिंगल एग्रीकल्चर क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड, बेनिफिट है यूजुअली फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस, इसमें आप कुछ कंजम्पशन का ज्यादा सोचते नहीं हो, ये मोस्टली एक्सपोर्ट के लिए ही होता है कि उगाना है और बेचना है। नेक्स्ट वी हैव कमर्शियल फार्मिंग, ये टर्म मेरे को थोड़ा सा वैसे यूजलेस सा लगता है वैसे, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स डन फॉर सेल इन द मार्केट, मतलब अगर ये एग्जाम में आ गया ना क्वेश्चन और ये मैच द फॉलोइंग में आएगा कि ये चार नाम दिए हुए हैं, चार सामने दिए हुए हैं और बोलेंगे कि करेक्टली मैच बता दो, या मैच द फॉलोइंग में आएगा, सो दिस इज द वन, कमर्शियल फार्मिंग इज द वन जो आपको चीट कोड मिलेगा जिससे आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, है ना, समझ रहे हो, आपकी कमर्शियल फार्मिंग समझ में आ जाएगा, कमर्शियल है मतलब बेचने के लिए किया हुआ है, बाकी बच्चों के लिए हमने बाकी लिख लिए हैं, सवाल ऐसा ही बनेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, हाँ ठीक है बच्चे, ऑनलाइन मैंने आपको आप सबके नाम नोट कर लिए हैं, जो भी हैं तीन हो आप, तो दो बच्चों को लास्ट तीन नहीं मिले हैं, ठीक है जी, और भी किसी का तो नाम आप लिख दो, मैं चेक कर लेता हूँ। लास्ट इस बच्चे इसमें ये लिखने की जरूरत है, ये कमर्शियल फार्मिंग, हाँ उसको डैश डैश करके खाली छोड़ दो, थोड़ा आपका टेबल खाली रहेगा ना, आपको आपको पढ़ने में आलस नहीं आएगा, भरा हुआ टेबल होएगा तो सारे पे नजर नहीं मारोगे तुम। लास्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग, वो ऑर्गेनिक वाले में, नॉन कन्वेंशनल में आएगा, अलग है वो, ये मैं ट्रेडिशनल वाले लिखवा रहा हूँ, उसकी हमने बनाई हुई है लिस्ट वैसे, हाइड्रोपोनिक्स जिसमें आता है और वो सब आते हैं, कोई टॉपिक आता है ना उससे रिलेटेड नेक्स्ट, तो उसका भी टेबल बना लेंगे नेक्स्ट टाइम, है ना। अभी जिस हिसाब से चल रहा है और इलेक्शन टाइम भी आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा मतलब
सरहदों पे तनाव, ये सब देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। कोई ना कोई इशू आएगा, नई नई स्कीम्स आएंगी, तो अभी तो आपका ठीक चलेगा करंट अफेयर्स में। तो ये हाइड्रोपोनिक्स और ये सब आ जाएगा इवेंचुअली, ऑर्गेनिक फार्मिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। इवन देर इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग जिसमें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ का ख्याल रखते हैं, एंड इट इज़ लेजिटिमेटली अ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक। कि आप ये देखते हो कि तारों से तारों को क्या चक्कर है, राइट? तो 6-8 तरह की है वो, एक ही PDF निकली है, उस पर एक ही रिसर्च छपी हुई है, और उस रिसर्च के अंदर सब कुछ जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं सारी हैं। UPSC ने एक बार सवाल पूछ भी लिया है उस पर से, उस पर्टिकुलर PDF से, राइट? तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई टॉपिक आता है मैं लेके आता हूँ उसको, अभी मेरे पास नहीं है वो, हालांकि हमने कर रखा है लास्ट ईयर। आइए बच्चे आगे लिख लेते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, इंटरक्रॉपिंग वगैरह नहीं। हाँ, एनिमल रेयरिंग और आपके फार्म प्रोडक्शन दोनों साथ में लिख लीजिए। फार्मिंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स टुगेदर। अगर ऐसे टेबल्स वगैरह में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो ना तो माफ कर देना, ठीक है? ये टू हमने बहुत शॉर्ट में लिखना होता है, पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट, तो अगर आप चाहो तो आप और शॉर्ट करके भी लिख सकते हो अपनी भाषा में। वहां पे क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होगा? हाँ जी बच्चे, हाँ, इंक्रीज्ड इनकम ऐसे इतनी इंश्योर नहीं होती है जितनी स्टेडी इनकम इंश्योर होती है ना। इनकम सेफ्टी का मेजर होता है ये, कि अगर क्रॉप फेल होगी कोई बात नहीं, है ना, दूध बेच के घर चल जाएगा या कुछ इस टाइप की चीजें। लिख लीजिए, इंश्योर्स स्टेडी इनकम। ठीक है जी, ये आपको HCS के अंदर इसके ऊपर से कुछ कुछ सवाल आ सकते हैं, है ना। NCERT में से, NCERT में कुछ एक दो चीजें मिसिंग है इसमें से, राइट? वहां पे भी आपको ये सब मिल जाता है एज इट इज, पर वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है इतना। तो दिस इज स्ट्रक्चर्ड, आप बस इतना याद रखोगे आपको समझ में आ जाएगा। प्लांटेशन वाले के अंदर मतलब एक चीज ध्यान रखनी है कि प्लांटेशन वाला इज द वन जिसके अंदर सिंगल क्रॉप लगती है, राइट? बाकी सब में आप एक से ज्यादा क्रॉप लगा सकते हो। प्लांटेशन इज द वन जहाँ पे सिंगल ही क्रॉप लगेगी, और मतलब प्लांटेशन और कमर्शियल में थोड़ा सा डिफरेंस, वहां पे कंफ्यूज मत होना, वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं उधर। आइए बच्चे वापस आइए इसमें, पेज नंबर 2। बच्चे मिनिस्ट्री याद रखना है इसमें। द प्रोग्राम वॉज लॉन्च अंडर DAY NRLM। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बच्चे तो ये सब स्टेटमेंट्स वहां पे काम में आएंगे, कि या तो 4 ऑप्शन देके नॉट ट्रू पूछ लेंगे, या 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट देके पूछ लेंगे कि कितनी ट्रू है इनमें से, है ना। UPSC का दिमाग थोड़ा खराब ही चल रहा है इन दिनों, तो वो जितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है इस इजी टॉपिक को उतना कॉम्प्लेक्स करके क्वेश्चन डालेंगे। पर डरना नहीं, घबराना नहीं है, आपने बस याद कर लेना है कि मेन मेन क्या है। 3-4 चीज़ें मेन मेन है, एक आधा भी टेढ़ा मेढ़ा पॉइंट होगा आप खुद ही काट दोगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आगे देखते हैं बच्चे, नोडल इंस्टीट्यूशन इसका NCO, NF, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। बाय द वे जो ट्रेनिंग होगी ये नेशनल नेचुरल फार्मिंग के अंडर ही ट्रेनिंग होगी, है ना। उसमें टाइप्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग हम कवर कर लेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, पर ट्रेनिंग नेचुरल फार्मिंग के अंदर ही होगी। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मिंग विलेजेस एमिंग टू क्रिएट समृद्धि विलेजेस एंड लखपति SHG। ठीक है जी, 2 तरह से क्वेश्चन आएगा इसमें। समृद्धि विलेजेस के पूछ लेंगे, नोडल एजेंसीज कौन कौन सी हैं वो भी सेम ही है, राइट? एसोसिएटेड मिनिस्ट्रीज वगैरह पूछ लेंगे आपसे, है ना। तो दोनों तीनों चीजें याद रखनी है आपने कि कृषि सखी और आपका समृद्धि विलेजेस, ये एक ही है। हमने बहुत सारे टाइटल दिए हैं भी रिसेंटली विलेजेस को ना, ये विलेज फलानी विलेज ऐसे विलेज वैसे विलेज, तो थोड़ा सा क्लियर रखना दिमाग में। 2 या 3 तो पक्का रट लेना याद से, तो बाकी 2-3 में आप गैस मार सकते हो, है ना। नॉट द आइडियल वे,
बट अ वे, ठीक है, बिल्कुल लास्ट लाइन अगर आप देखेंगे इसी के अंदर, दैट इज एनहेंसिंग देयर प्रोडक्टिविटी थ्रू नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, तो ये सारा जो मुद्दा है ये नेचुरल फार्मिंग के अराउंड रिवॉल्व करेगा। थोड़ी ब्रांडिंग बेटर होती है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल ज्यादा होते हैं नेचुरल फार्मिंग के अंदर, हेल्थ बेनिफिट ज्यादा होते हैं, फोर्टिफिकेशन कर सकते हो, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर इन नेचुरल फार्मिंग। बच्चे यहाँ पे ना लखपति दीदी वर्ड आया है, वो फिर से लखपति सेल्फ हेल्प ग्रुप ये वाला, तो एक स्कीम लॉन्च हुई थी इसी साल, आपको पता होगा लखपति दीदी स्कीम, सुना होगा आपने, तो उसके बारे में एक दो लाइंस लिख लेते हैं, हालांकि हमने डिटेल में कवर किया हुआ है, तो जिसने किया हुआ है वो अवॉइड करना चाहे तो कर सकता है अगर उसने रिवाइज कर रखा है तो। आ जाइए लिखिए, शॉर्ट में ही लिखेंगे। The scheme aims to create कितनी लखपति दीदी बनाने की स्कीम है ये, कितनी आवाज तो आई थी, थोड़ा सा लाउडली बोल दो, कुछ तो सुना है मुझे यहां से, 2 करोड़, 2 करोड़, कितने बोल रहे थे, 4 करोड़ बोल रहे थे आप लोग, 2 ही बोल रहे थे, नहीं नहीं झूठ बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो तो तुम बोल देते ना 2 करोड़ लखपति दीदीज कॉमा विल बी प्रोवाइडेड स्किल ट्रेनिंग सो दैट दे कैन अर्न ओवर ₹1 lakh पर ईयर। इसके सब पॉइंट्स बना लेना आप, 15,000 विमेन्स SHG, 15,000 विमेन्स SHG विल बी गिवन ट्रेनिंग। दिल थाम के बैठना अगली स्टेटमेंट के लिए, इन ऑपरेटिंग एंड रिपेयरिंग ड्रोन्स, जो तुमने शादियों में देखे है ना, पार्टीज में देखे, हाँ उसका दूसरा पर्पस भी होता है। क्या काम है एग्रीकल्चर में ड्रोन्स का, और सर्वेलेंस के लिए। हाँ अगर हम बात करें तो इसको जैसे स्प्रिंकलर्स वगैरह की बात कर रहे थे या सीड्स की बात कर रहे हो, इनको कहा जाता है प्रिसीजन फार्मिंग, कि आप अपने रिसोर्सेज को बहुत एप्टली यूज करते हो, दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन फार्मिंग। मतलब क्यों हम ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, और जो सर्वेलेंस की बात कर रहे हैं और बाकी चीज़ों की, दैट इज कॉल्ड क्रॉप मॉनिटरिंग। और अगर हम किसी जानवर को भगा रहे हैं डरा के, जो कि हमारे ईस्ट में जरूरत पड़ती है हमें, राइट, इधर हमारे कम प्रॉब्लम है लेकिन ईस्ट में बहुत है, एलिफेंट्स आके पूरा पूरा खेत खराब कर जाते हैं, उगा वही कल काटना खेत आज एलिफेंट्स ने खराब कर दिया, ऐसे ऐसी सिचुएशन होती है, तो ऐसे केस में पेस्ट कंट्रोल के लिए, राइट, वी यूज ड्रोन्स। सेकेंड सब पॉइंट बना लीजिए इसमें, विमेन विल बी ट्रेन्ड इन स्किल्स लाइक LED बल्ब मेकिंग, प्लम्बिंग एटसेट्रा। अगर सोचना चाहो ना, जैसे एक फन फैक्ट की तरह बात लो इसको,
कि कौन कौन सी स्किल्स उनको प्रोवाइड की जाएंगी आर दोज जो कि जॉब्स एआई नहीं खा सकता, ठीक है? हाँ, सोचो इस बात को, क्या कह गए सर अभी? देर आर सर्टेन जॉब्स जिसको एआई बहुत आसानी से खा जाएगा, देर आर सर्टेन जॉब्स जो कोएग्जिस्ट करेगा जॉब्स के साथ में, एंड देर आर सर्टेन जॉब्स जिसको एआई टच भी नहीं कर सकता, है ना? तो ये वो वाली स्किल है जिसको एआई टच नहीं कर सकता. इसी के नीचे ना बच्चे नोट डाल के लिख लो, ये मेरा पर्सनल फियर है कि आप भूल गए होंगे, नोट डाल लो. इसके साथ में एक स्कीम आई थी, पैरेलल स्कीम, विश्वकर्मा योजना. विश्वकर्मा योजना शॉर्ट में लिखेंगे बहुत इसको. अपलिफ्टमेंट ऑफ स्किल्ड इंडिविजुअल्स, अपलिफ्टमेंट ऑफ स्किल्ड इंडिविजुअल्स इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप. Particularly from OBC community, other backward classes. Particularly from OBC community. Paper में अगर question आएगा तो वो यहाँ पे घुमाएगा. And अगर आपके अंदर के feminist को craftsmanship word से problem है तो we can call it craftspersonship. Right? Not a fan of comedy, I see. ठीक है. चलिए बच्चे. जब भी इस टाइप के गुरु की बात होती है ना, जैसे विश्वकर्मा इज अ गुरु जिनके ऊपर ये नाम रखा हुआ है, तो ऐसी स्कीम के अंदर ना आपको अप्रेंटिसशिप देखने को मिलेगी. अप्रेंटिसशिप समझते हो, गुरु शिष्य परंपरा, टीचर प्यूपिल, राइट? तो ये भी सेम ही स्कीम है. हम स्किल डेवलपमेंट के लिए ऑल ओवर इंडिया जो भी काम चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट, वो बहुत सारी स्कीम जैसे चला रही हैं कि वो अप्रेंटिसशिप के ऊपर काम कर रही है, कि फलानी फलानी इंडस्ट्री आपने कॉन्टैक्ट कर लिया कि हम आपको इंटर्न्स प्रोवाइड करेंगे, यू कैन गो टू देयर वेबसाइट, और उन्होंने भी टाइप कर रखा है, राइट? तो एक बहुत अच्छा तरीका है ये कुछ भी काम सीखने का, अदर देन जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन चल रही है. अदरवाइज जितने भी काम है, ट्रेडिशनल हाथ वाले काम है, आपके शहर का फेमस समोसे वाला क्यों ना हो, उस वो भी ऐसे ही काम सीखा था, राइट? तो ये हमारे ट्रेडिशन के अंदर थोड़ा डीप रूटेड है, एंड इट हैज़ बीन वर्किंग वेल, है ना? स्किल तो डेवलप हो ही रखा है इन सब चीज़ों का. Hence we have certain GI tags, उसको और provide और बेहतर करने के लिए, right? So interconnectedness आपको देखने को मिलेगी इन सब चीजों में. चले बच्चे आगे. हाँ ठीक है बच्चे, ताने मैंने नोट कर लिया, आपका रोल नंबर भी नोट कर लिया है, राइट, हो जाएगा. बस तीन ही है आप लोग, है ना? आपके अलावा भी कोई और है तो आप मुझे बता सकते हैं ऑनलाइन. तो अभी रिसेंटली रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था उत्तराखंड के अंदर, आपको पता है, जिसने बाहर आके पूछा था इंडिया वर्ल्ड कप जीता है या नहीं, है ना? दोबारा से जख्म फिर से ताजा हुए थे उस वर्ल्ड कप फाइनल के. कौन कौन देख रहा था वैसे, लाइव तो देख ही रहे होंगे ना? हाय होए, सच बता रहा हूँ तुम्हें ना, अपने प्री ना निकलने का इतना दुख नहीं होगा एक समय को, वो ठंडा हो जाएगा. तो बच्चे वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जब किया तो उधर एक पर्टिकुलर टेक्निक का इस्तेमाल किया था रेस्क्यू के लिए, दैट इज कॉल्ड रैट होल माइनिंग, जिसको एनजीटी ने बैन किया हुआ है 2014-15 से, राइट? ये एक हजार्डियस काइंड ऑफ आपकी माइनिंग प्रोसीजर है ये, इसको यूज करके हमने वहां से निकाला था, राइट? तो हमारे लिए टनल इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये रैट होल माइनिंग क्या चीज है इसको हम समझते हैं. आप एक काम कीजिए, स्टार्टिंग पहले लिख लीजिए इसको, कि पता होगा एनजीटी ने बैन किया हुआ है.
एनजीटी पता ना, एनजीटी बैंड रैट होल माइनिंग, ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स इन 2014-15. दो चार प्रॉब्लम्स आपको साथ में देखने को मिलेंगी, सेफ्टी कंसर्न दिख रहे हैं, सेफ्टी कंसर्न क्या हो सकता है राइट right? क्या क्या हो सकता है सेफ्टी कंसर्न यहाँ पे अदर देन घबराहट, दम घुटना मतलब वही हो गया, वेंटिलेशन प्रॉब्लम है और हाँ कोलैप्स और फ्लडिंग है ना, फ्लडिंग की प्रॉब्लम इसमें होती है, प्लस क्योंकि आप माइनिंग करते हो कोल सेगमेंट्स के जाके माइनिंग करते हो तो वहां से कोई टॉक्सिक वेस्ट निकलता है तो आपका एनवायरनमेंट उससे हार्म होता है राइट। सो इन सब कारण की वजह से इस रैट होल माइनिंग को बैन किया हुआ है राइट। आइए एक बारी डॉक्यूमेंट देखिए, पेज नंबर 3 देखिए। द टर्म रैट होल रेफर्स टू द नैरो पिट्स डग इनटू द ग्राउंड टिपिकली जस्ट लार्ज इनफ फॉर 1 पर्सन टू डिसेंड एंड एक्सट्रैक्ट कोल। इसमें ना 2-3 कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, आप ना जो अभी हमने एनजीटी वाली लाइन लिखी है ना बच्चे उसके साइड पे एक और लिख लीजिए, रैट होल माइनिंग परसिस्ट इन मेघालय, मेघालय में ये अभी भी मतलब जोर शोर से चलता है, डेली का काम है उधर, वहां की न्यूज नहीं आती कि लोग फंस गए मर गए, डेली का काम है उधर भी, रैट होल माइनिंग परसिस्ट इन मेघालय, डेंजरस काम को क्यों करेगा, पैसा, ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स, और यही क्यों करेगा, हाँ एंड द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट लाइवलीहुड्स, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स। और मेघालय में क्यों हो रहा है, बहुत बहुत सिंपल सा कारण है, हाँ एक तो ऑब्वियस है कि वहां मिलता है, वहां कोल है इसलिए कोल रैट होल कोल माइनिंग हो रही है, हाँ एक और दूसरी माइनिंग क्यों नहीं हो रही बाकी झारखंड वगैरह में होती है, जैसे टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास, ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी है, मेघालय थोड़ा सा गारो खासी जयंतिया राइट, एक तो ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गया, पर हमने तो मतलब देखा है अपने हिमाचल में तो पहाड़ों के बीच में टनल निकाल निकाल के हमने तो हाईवे पर मनाली को 4 घंटे कर दिया हमने, चंडीगढ़ से 3.5 घंटे कर दिया इनफैक्ट, तो टेक्नोलॉजी तो है हमारे पास यार, तो क्यों हो रहा है, पॉलिटी वाइज सोचो जरा एक बार, शेड्यूल 6 का नाम सुना है, शेड्यूल 6 क्या करता है, ट्राइबल्स को राइट देता है करने के लिए बेस, वो ट्राइबल्स के कौन से राइट्स हैं, वो आज आपको एक बड़ी मजेदार चीज पता लगेगी, वो ओनरशिप राइट्स हैं, ट्राइबल्स आर द ओनर्स ऑफ दैट लैंड, दैट इज व्हाई यू नीड देयर परमिशन, अगर मेरे को आपके घर घुस के आपके सोफे बैठ के चाय पीनी है तो आपका इन्विटेशन उस चीज के लिए जरूरी है राइट right? वो ट्राइबल्स हैं, है ना, ऑल्टरनेट लाइवलीहुड है नहीं, एंड एज अरमान सेड कि वहां कोल मौजूद है और पॉकेट्स में है राइट right? मतलब कोल जैसे बाकी जगहों पे है ना कि कोल के बड़े बड़े बंडल्स हैं, आप ओपन कास्ट माइनिंग करते हो खोदते जाते हो और है ना और शाफ्ट बनती है प्रॉपर, या तो शाफ्ट बनेगी या आप ओपन कास्ट माइनिंग आप कर रहे हो और भारी मात्रा में कोल लेके आ रहे हो, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अगर आपका माउंटेन है तो पॉकेट्स में है कि आप पहले खोदो, जैसे इधर आपको कोल नहीं दिख रहा अंदर है
पैचेस के अंदर है. सो दैट्स व्हाई दे हैव टू डिग और वहां से कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं और बाहर लेके आ जाते हैं. राइट, सो दिस इज कॉल्ड रैट होल माइनिंग. इसीलिए मेघालय में वहां पे हो रही है. तीन चार फैक्टर है. एक वो फैक्टर बिल्कुल सही है कि फिजिबल ही नहीं है क्योंकि पैकेट्स में है तो ओपन कास्ट माइनिंग पॉसिबल नहीं है. टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हम माइनिंग करते हैं. बल्कि माइनिंग के लिए तो किसी भी कंपनी को बोलोगे वो ले आएगी आपके पास. फिजिकल रिसोर्स है ना, अल्टीमेटली मनी यहीं से शुरू करती है अपनी वैल्यू. दिस इज द प्राइमरी सोर्स, यहाँ से शुरू हो रही है मनी की वैल्यू. समझ रहे हो क्या 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 पॉइंट चल रहे हैं यहाँ पे? इसलिए रैट होल माइनिंग जो है वहाँ पे चलती है. और एक और प्रॉब्लम अगर आपको देखने को यहाँ पे अगर आप पकड़ पा रहे हो, अगर होल छोटा है दैट मीन्स कोई एक छोटा ह्यूमन बींग जाएगा उसमें, मैं तो नहीं जा सकता. हाँ, तो लॉजिकल लॉजिक क्या बोलता है, किसको भेजना चाहिए अंदर? लॉजिक है, इमोशन नहीं, लॉजिक. बच्चे, हैंस चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज, आपका आरटी वहीं कहीं अंदर पड़ा होता है कोने में. राइट टू एजुकेशन, हाँ, दब के आता है माइंड में बाहर. आइए बच्चे, सो ये है पूरी कहानी रैट होल माइनिंग की. क्यों नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है आज आप समझ जाओ. हो सकता है इस पर आपको डायरेक्ट सवाल आ जाए, देर इज अ पॉसिबिलिटी, है ना. तो आज हमने बहुत क्रूड भाषा में, बहुत सरल भाषा में समझा है इसको, वहां थोड़ा कॉम्प्लेक्स घुमा फिरा देना थोड़ा सा. आइए बच्चे, डॉक्यूमेंट में देखिए एक बार. इन्वॉल्व्स डिगिंग ऑफ अ वेरी स्मॉल टनल, यूजुअली ओनली 3 to 4 feet डीप, इन विच वर्कर्स मोर ऑफन चिल्ड्रन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, एंटर एंड एक्सट्रैक्ट कोल. टू टाइप्स की है बच्चे, वो भी हम देख लेते हैं. अब लास्ट पॉइंट देखिए, द कोल इज देन मैनुअली एक्सट्रैक्टेड यूजिंग प्रिमिटिव टूल सच एज पिकैक्सेस, शवल्स एंड बास्केट्स, फॉर ऑब्वियस रीजंस. पॉकेट्स में तो आप ओपन माइनिंग कर भी नहीं सकते हो यहाँ पे, ऑब्वियस रीजंस है यहाँ पे. नेक्स्ट जो सवाल आपसे बन सकता है दैट इज, वो सीधा लिखेंगे कि साइट कटिंग प्रोसीजर एंड बॉक्स कटिंग प्रोसीजर इज अ टाइप ऑफ वॉट, है ना. सो इट्स अ टाइप ऑफ रैट होल माइनिंग, है ना. तो ये ध्यान रखना है आपने, इस टाइप का कुछ सवाल बनेगा यहाँ पे. साइड कटिंग प्रोसीजर आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा. वंस यू नो दैट जो कोल है वो पॉकेट्स में अवेलेबल है, पैटर्न्स में अवेलेबल है, फ्रिंजेस कहते हैं, मतलब पॉकेट इज नॉट द राइट वर्ड, फ्रिंजेस में अवेलेबल है मेघालय में. द साइड कटिंग माइनिंग इज यूजुअली डन ऑन हिल स्लोप्स बाय फॉलोइंग अ कोल सीम विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड. ये देखिए, the coal seam in hills of Meghalaya is very thin, less than 2 meters in most cases, है ना? Hence you see कि मेघालय में इतना क्यों है? By the way, NGT ने जो बैन लगाया था वो मेघालय से ही शुरू किया था. This is the example of आपका side cutting procedure, ये वाला example है. Next is your box cutting, this is this one, right? It entails digging a circular or squarish pit माने खड्डा, और वो नीचे ही होता है. Varying from 10 to 100 square meter in width and to a depth of 400 feet. ठीक है, तो अगर आप साइड से एंटर कर रहे हो दैट इज कॉल्ड साइड कटिंग, है ना. और अगर आप ऊपर से डाउन एंटर कर रहे हो दैट इज कॉल्ड बॉक्स कटिंग. और इसमें थर्ड पॉइंट देखेंगे, वंस अ कोल सीम इज फाउंड रैट होल साइज टनल्स आर डग हॉरिजॉन्टली थ्रू विच वर्कर्स कैन एक्सट्रैक्ट कोल. हॉरिजॉन्टल समझते हो, उसमें कंफ्यूज होते हो क्या, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में? अच्छा, विद द फ्लिप ऑफ द हेयर? नो सर. ठीक है, अगर कोई भूलता है तो आपने 10वीं के अंदर वो किया होगा ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हमेशा एक टर्म लिखी होती थी कि वर्टिकल पोल ऑफ हाइट इतना, है ना. तो उससे आप याद रख सकते हो वर्टिकल इज, हाँ, कि क्या होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल. आइए बच्चे चले आगे. बच्चे सेफ्टी कंसर्न्स लिख लीजिए, एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी कंसर्न्स. क्या है बता दो,
इकट्ठे लिख लेते हैं एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी कंसर्न्स, बोलते रहो लिखते रहेंगे। लैक ऑफ स्ट्रक्चरल सपोर्ट, है ना, ऐसे लिख दें इसको, ठीक है। और क्या है, कॉमा कॉमा डाल के लिखते रहो। लैंड रिक्रेडेशन, सबसे पहली चीज तुमने फॉरेस्ट क्लियर किया वहां पे और खड्डा खोद दिया उधर, इन्वायरमेंट तो बहुत ऐसे मतलब वाइड है। इसके अलावा ना जब आप कोल माइनिंग करते हो यहाँ पे ना सल्फाइड निकलता है, कंसंट्रेटेड ओर्स निकलते हैं, हैवी मेटल्स, तो वो आपके पानी में मिक्स होते हैं और फिर आपके जानवर बीमार होते हैं और आपकी इकोलॉजी खराब होती है। और अगर हैवी मेटल और आपके सल्फाइड्स मिल जाते हैं तो आपके डिसॉल्वड ऑक्सीजन कम हो जाती है पानी में। और क्या प्रॉब्लम होती है, आपकी बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो इंक्रीज हो जाती है, पॉल्यूटेंट्स एंटर हो गए ना, और ये तो है भी ऑर्गेनिक। हाँ बच्चे आइए, सेफ्टी की बात कर रहे थे हम या प्रॉब्लम्स कंसर्न की बात कर रहे थे, ये लिख लेते हैं जो भी हम बात कर रहे हैं। पहले आप आगे का बताइए, एक हमने क्या लिखा है अभी, हाँ लैक ऑफ स्ट्रक्चरल सपोर्ट कॉमा लैक ऑफ, से बनाओ ना पहले वेंटिलेशन, हेल्थ इश्यूज पे आते हैं, इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी कंसर्न्स की बात हो रही है। हेल्थ इश्यू इसमें मतलब किसने बोला था हेल्थ इश्यू डायरेक्टली कम है, इसमें सेफ्टी का ज्यादा है, ब्लैक लंग डिजीज और वो सब इधर कम है। रेडिएशन नहीं बचे, हैवी मेटल आपका सीधा डायरेक्ट पोल्यूट कर रहा है पर वो कंसर्न नहीं है। हाँ ये लिखो, क्या लिखा हमने, लैक ऑफ, अभी दो चीजें लिखी है ना, हाँ लैक ऑफ स्ट्रक्चर सपोर्ट कॉमा वेंटिलेशन कॉमा सेफ्टी गेयर स्लैश ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स। ठीक है फुल स्टॉप, इसमें आई थिंक सब कुछ कवर हो रहा है। स्ट्रक्चर सपोर्ट के कोलैप्स वगैरह हो जाते हैं, बाकी जो आपके ट्रेडिशनल प्रॉपर माइंस हैं वहाँ पे आप लकड़ी फिट करते हो अंदर, प्रॉपर बीम्स बनाते हो कि ऊपर से सपोर्ट, हाँ, और इनकेस अगर कोलैप्स होता भी है यू हैव पॉकेट्स टू सर्वाइव, कि इसके अंदर है और वहाँ पे आपके पास में फूड सप्लाई रहती है, वहाँ पे पड़ी रहती है कि इनकेस ऐसा कुछ होता भी है, इवैक्यूएशन प्लान्स होते हैं, ये सब कुछ होता है। ले तो आप नेचर से पंगा ही रहे हो वैसे, तो we are always a sub part of nature, we are a constituent of nature, right? agar hum venn diagram banayenge we lie inside nature, right? to hum uske upar chah ke bhi nahi ho sakte hai, matlab hum it is beyond that, hai na, jaise there are certain physical laws, physics ke laws hain kuch, hum unko chah ke bhi break nahi kar sakte, that is the limit of nature, hai na, jaise hum kehte hain ki no particle can move with a speed more than c, the speed of light, right? वो क्या है? That is the limit of nature. तो आप nature का सब पार्ट हैं, तो there are certain things जो nature आपसे ऊपर ही रहेगी. Hence हम जब disaster management की बात कर रहे हैं, हम ना prevention, mitigation, resilience, इन सब चीजों की बात करते हैं कि नुकसान ना हो. हम disaster रोकने की बात नहीं करते हैं कि natural disaster हो ही ना, ऐसा क्या करें कि earthquake आए ही ना, नहीं, not that. हम आप अपने पार्ट पे, राइट, नेक्स्ट लिखिए बच्चे, इसी के आगे लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन, है ना अरमान, यहीं से शुरू करते हैं, अब क्लियर है, डिफॉरेस्ट्रेशन, कॉमा वाटर विद High concentrations of sulfates,
कॉमा आयरन एंड टॉक्सिक हैवी मेटल्स। हाँ बच्चे, आपके वाला पॉइंट इसमें आएगा, जो रेडिएशन वाली बात कर रहे थे ना, वो रेडिएशन के एंगल से कम, इस एंगल से ज्यादा रहेगा। और यूपीएससी की थोड़ी सी टेंडेंसी रही है पिछले कुछ सालों में कि पहले जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आते थे ना, उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होता था। कोई एप्लीकेशन पूछ ली, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ नैनो ट्यूब्स, है ना, और आप देखते हो कि ये चार पांच चीजें लिखी हुई हैं, और जनरली आंसर ऑल ऑफ द अबव होता था। अब यूपीएससी साइंस में टेक्निकल हो गया है, राइट, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का कि हम रैंडमली कुछ भी चीज को सच ना मान लें। राइट, तो रेडिएशन वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, अगर वो पूछ लेना कंसर्न में तो डू नॉट टिक रेडिएशन। रेडिएशन आपके दूसरी ओर्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल के ओर्स के अंदर रेडिएशन देखने को मिलती है आपको। क्या लिखा हमने लास्ट में? हाँ, कॉमा लोड। अब क्योंकि कुछ मिक्स हो गया तो लोड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड हाई बीओडी। हाई बीओडी, और मेघालय की रिवर्स एसिडिक हो गई हैं इसी चक्कर में। एक और आर्टिकल आया था, मतलब यहाँ पे वो आर्टिकल मेंशन करने की जरूरत नहीं है हमें, मतलब उसका कंटेंट डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि उससे ये हाईलाइट हुआ था कि रैट होल माइनिंग जो है नहीं रुकी है 2014-15 के बाद से, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर है वो एक्चुअली एसिडिक हो गया है। और एक सवाल आपका बन सकता है कि रैट होल माइनिंग नॉर्थ ईस्ट में क्यों होती है टाइप्स, है ना, कुछ कुछ इस टाइप का सवाल बन सकता है। क्वेश्चन लिख लीजिए आज का, व्हाई ऐसे लिखे, एलैबोरेट व्हाई, एलैबोरेट व्हाई द डेंजरस प्रैक्टिस ऑफ रैट होल माइनिंग is still prevalent in Northeast India despite a ban by NGT. Full stop. Suggest solution. Seemingly easy. Intervene कैसे करवाना चाह रहे हो? इसको ना ऐसे सोचो बच्चे कि और क्या क्या चीजें बैन हुई हैं और कैसे इम्प्लीमेंट होता है। जब हम रिमोट एरियाज की बात करते हैं ना, तो वहां पे एजेंसी का उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, वहां पर शेड्यूल 6 लगा ही हुआ है। हाँ, यू कैन राइट इन द सॉल्यूशन कि बैन इम्पोज करना, मतलब एग्जीक्यूट कर दो, ग्रेटर पेनल्टीज ऑन ऑलरेडी इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड पीपल, मतलब कुछ अगर सॉल्यूशन देना चाह रहे हो। कॉम्प्लेक्स है ये बात, कॉम्प्लेक्स है। बैन को एनफोर्स, मतलब बहुत टाइटली एनफोर्स करने का मतलब कि उनको माइन में मत जाने दो कि नहीं जाओ, इसके बियॉन्ड आप नहीं जाओगे, है ना। फिर आपके फॉरेस्ट राइट्स, है ना, आपका पैसा एक्ट, है ना, वो सब आपके आड़े आएगा कि आप कैसे रोक सकते हो।
दूसरा बहुत लॉजिकल उसका सिंपल सा सवाल इसके काउंटर ये उठेगा, तो क्या करें, है ना, ये नहीं करना तो हम क्या करें, आते ही जनरेशन बाय जनरेशन वो ऐसे ही उन्होंने यही काम सीखा हुआ है। मारो मारो मत्था मारो, देखो सवाल एक बारी मेरे को रिपीट करेगा कोई एक बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छा है यार, क्वेश्चन तो अच्छा है, इसमें सारे एंगल स्ट्रेच कर सकते हो आप लोग, राइट। क्यों हो रहा है वहां पे बेसिकली वो पूछा जा रहा है ना, तो मतलब इसके नुकसानों में कम जाना स्टार्टिंग में, वो मत लिख के दे देना मेरे को कि इससे होता क्या है, पूछ रहे हैं कि वहां माइनिंग क्यों हो रही है ना, और कैसे रोकी जा सकती है, इन बिटवीन कहीं पे कंसर्न घुसाना अपना, है ना, चिप इधर फंसा दिया उधर फंसा दिया वो कर सकते हो, राइट अ ब्यूटीफुल आंसर फॉर दैट, ऑल द बेस्ट। ठीक है जी, चले आगे। एक्चुअली द कंडीशन इज नॉट गुड, अगर आप देखोगे इन माइंस के, आपको भरी हुई बस में नहीं बैठ पाओगे, मैं बता रहा हूँ, जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, मतलब हम लोग द प्रिविलेज्ड वंस। जो वॉल्वो में विंडो सीट ना मिले उस पर परेशान हो सकता है, वो कहाँ माइन, मतलब। आइए बच्चे, ई प्राइम लेयर, नेक्स्ट टॉपिक। आपने वेरियस लेयर्स के बारे में सुना होगा अर्थ की, है ना, हम अर्थ का वो पेस्ट्री बनाते हैं ना ऐसे करके, ऐसे कोर और ये सब लिखते हैं और सारी वो कितनी डिसकंटिन्यूटीज हैं वो सब इसके अंदर लिखते हैं हम लोग, राइट। सो वैसे ही एक नई लेयर फाइंड हुई है विच इज कॉल्ड ई प्राइम लेयर, और जो हो सकता है यूपीएससी आपको डायरेक्टली पूछ ले कि ई प्राइम लेयर क्या चीज है, है ना, कैसे बनती है, कहाँ है। आपको बाकी सारी डिसकंटिन्यूटीज पता है, आप सबसे पहले एक काम करते हैं, डायग्राम बना ले छोटा सा, याद हो जाएगा आपको, फिर ये वाली पेस्ट्री बना लो, है ना, ये कोर, ये अर्थ का सेंटर है, इनर कोर आउटर कोर, इनर मेंटल आउटर मेंटल, है ना, ऐसे करके डिवाइड कर लीजिए इसको, एंड लास्ट इज क्रस्ट। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, अपर मेंटल, क्रस्ट। ये नाम पता है इसका, ये वाली डिस्कंटिन्यूटी का क्या नाम है लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड लेमन, एल ई एच एम ए एन एन, लेमन डिस्कंटिन्यूटी। बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर, एल ई एच एम ए एन एन, डिसकॉन्टिन्यूटी, समझते हो ना क्या चीज है। हाँ, वहां पे प्रॉपर्टीज ना एब्रप्टली चेंज होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्योंकि नेचर है, नेचर ट्रांजिशन प्रोवाइड करती है आपको, सो इट्स अ ट्रांजिशन, जैसे आपके दिन और रात के बीच में शाम पड़ती है ना एक, है ना, तो नेचर में आपको हर जगह ट्रांजिशन देखने को मिलती है, एक इवन जेंडर्स में भी है ये, राइट। हाँ, तो ये नेचर का पार्ट है ट्रांजिशन, तो वैसे ही इसके ट्रांजिशन को हम डिसकंटिन्यूटीज बोलते हैं, कि एक लेयर कंटिन्यूटी में चल रही थी, देन देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी, फिर दूसरी लेयर शुरू होगी, राइट। सो डिसकंटिन्यूटीज के नाम है, यूपीएससी डायरेक्टली पूछ लेता है डायरेक्टली कि इन दो लेयर्स के बीच में डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं, या फिर ये डिसकंटिन्यूटी है ये किन दो लेयर्स के बीच में है, राइट, इस टाइप का सवाल आता है उसमें। लिख लीजिए बच्चे,
दिस वन इज लेमन LEHMAN डिसकंटिन्यूटी। और मैं आपको वैसे सजेस्ट करूंगा कि आप ना ब्रैकेट में लिख लो बिटवीन आउटर एंड इनर कोर, ताकि कंफ्यूज ना हो वहां पे, किसी भी एक तरीके से याद आ सकता है आपको। नेक्स्ट इज बिटवीन मेंटल एंड आउटर कोर इज गुटेनबर्ग, GUTTENBERG। बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, ये PCS में आई थिंक लगातार 2 साल सवाल आया था इसके ऊपर लगातार, सिर्फ लास्ट ईयर ही उन्होंने नहीं पूछा इस पे, उससे पहले उन्होंने हर बार पूछा इस पे सीधा यही डिसकॉन्टिन्यूटी का नाम, स्ट्रेट फॉरवर्ड कि लोअर मेंटल और इसके बीच की डिसकॉन्टिन्यूटी क्या बोला जाता है, राइट? तो याद कर लेना इसको जरा। नेक्स्ट इज बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल वी हैव रेपेटी, अलग अलग स्पेलिंग इसके मिलेंगे आपको, REPITI, REPETI, कुछ अलग अलग स्पेलिंग है, आप कोई भी एक लिख लो, REPITI, रेपेटी डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल। नेक्स्ट वी हैव मोहरोविक, MOHOROVICCC, बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, आपको ई प्राइम लेयर याद हो ना हो ये जरूर आप याद कर लेना, ठीक है? और लास्ट इज सबसे ऊपर ये अपर और लोअर क्रस्ट को डिवाइड करता है, दैट इज कॉनरोड, CONORODE, टॉप पे यहां इस पे एरो डाल लीजिए, CONORODE। बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट, ठीक है जी? आपको आपके एडमिट कार्ड की कसम इसको याद कर लेना प्लीज, ये आता है इसके ऊपर सवाल, और सिंपल सवाल होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो रट्टे वाली चीज है, इसके ऊपर निमोनिक्स ही बन जाते हैं बाय द वे, अगर आप बनाना चाहो ना कि किसके बीच में क्या है, तो आप इसके आपके निमोनिक्स आराम से बन जाएंगे, अपने अपने स्टाइल से बना लेना, ठीक है बच्चे? चलिए लेट अस टॉक अबाउट ई प्राइम लेयर। सेकंड देखिए, ई प्राइम लेयर इज अ डिस्टिंक्ट लेयर फॉर्म्ड एट द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कोर। नेक्स्ट वाली लाइन इसके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, द लेयर इज फॉर्म्ड बाय सरफेस वाटर पेनिट्रेटिंग डीप इन टू द प्लैनेट ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स। क्या इससे समझ में आ रहा है? मतलब एक एक चीज यहाँ पे हाईलाइट होगी, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, फिर आते हैं उस पर, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको। इसके बाद में आपको स्टैटिक इंफॉर्मेशन दी हुई है बच्चे, इसमें सिर्फ यही बताया कि आपका कोर के साथ में वाटर के इंट्रैक्शन से ये ई प्राइम लेयर जो है फॉर्म होती है, राइट? दैट मींस कि वाटर जो है उतना डीप तक पेनिट्रेट होता है अर्थ के अंदर। नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे हाउ डिड दिस लेयर डेवलप, ये आप एक बारी कहानी खुद से देख लेना। इसके में अगर आप थर्ड पॉइंट देखेंगे बच्चे, पेज नंबर 5 पे टॉप से थर्ड पॉइंट, दिस रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन रिच सिलिकॉन डिप्लीटेड लेयर एट द आउटर कोर रिजेंबलिंग अ फिल्म लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये अंडरलाइन कर लीजिए आप, हाइड्रोजन रिच सिलिकॉन डिप्लीटेड, समझ रहे हो? इस इन इनके कॉम्बिनेशन से 4 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, रिच रिच डिप्लीटेड डिप्लीटेड रिच डिप्लीटेड डिप्लीटेड रिच,
है ना, तो वो इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना आसान है, बन सकता है। तो इन दो दो तीन पेपर आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, उनमें से किसी एक में आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। हाँ जी, अब मुझे एक बारी बता दो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों एक्साइटेड है हम लोग, ई प्राइम लेयर मिल गई जी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च। एक तो जनरल कोई भी रिसर्च की सिग्निफिकेंस होती है, एक तो वही बोल दो, क्यों ही कर रहे हैं हम कोई भी रिसर्च। रिसोर्सेस क्या, ना ना वहां तक नहीं जाएंगे, वो इंस्ट्रूमेंट पिघल जाएगा हमारा, मेंटल कैसे क्रॉस करेंगे हम, वो सब नहीं होगा। और क्या है, क्यों भेजते हैं हम प्रोब्स बाहर, इंफॉर्मेशन है ना, इट्स द एडवांसमेंट ऑफ आर नॉलेज, ह्यूमंस की एज और ह्यूमन काइंड की एज में फर्क है, ह्यूमन की नॉलेज और ह्यूमन काइंड की नॉलेज सिस्टम में फर्क है। आप लोगों ने वेद नहीं लिखे लेकिन आप उसकी इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज कर रहे हो, आप लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब नहीं लिखे लेकिन आप इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज कर रहे हो, राइट तो ऐसे ट्रैवल होती है। तो हम मतलब ह्यूमन की एज अगर 60-70 साल है, ह्यूमन काइंड की ज़्यादा है, राइट तो एक तो नॉर्मल वो हो गया। इस पर्टिकुलर रिसर्च में क्या चीज़ है, हमने ना बहुत इंट्रिकेट तरीके से वाटर साइकिल को समझा हुआ है, उसमें एक नया फैक्टर आ गया कि पानी सिर्फ सरफेस पे ट्रैवल नहीं हो रहा जी, ये सब सरफेस जा रहा है ना। तो ये उस लिख लीजिए, सिग्निफिकेंस लिख लीजिए इसकी, आपकी वाटर साइकिल ब्रॉड होगी अब, अभी जो कुछ हजार साल तक के आपको पता थी, आइस एज तक का पता है, श्रिंकेज ऑफ आइस कैप्स ये सब पता है आपको, है ना, टिल्ट साइकिल वॉबल साइकिल ये वो, अब वाटर साइकिल के अंदर एक नई एडिशन हो गई है, ये आपका वाटर बिलियंस ऑफ ईयर्स लेके नीचे जा रहा है और वहां पे कुछ कुछ हो रहा है, देखना पड़ेगा आगे क्या है, है ना। लिख लीजिए, इंडिकेट्स अ ब्रॉडर एंड मोर इंट्रिकेट ग्लोबल वाटर साइकिल देन प्रीवियसली एक्नॉलेज्ड। जो आपने बचपन में डायग्राम बनाया था ना, वो नदी नदी आ रही है, समुद्र में चली गई, फिर बादल आया और पर बारिश होगी और घूमता जा रहा है, हाँ वो बड़ा हो जाएगा डायग्राम, अब पानी नीचे भी जाएगा। अभी नीचे जाने का पता लगा है, मतलब आपको पूरा पूरा वो प्रोसेस नहीं दिख रहा, ठीक है, मतलब अगर आपको एक जू गए हो आप और हाथी की सूंड दिख गई, अब तब तक नहीं मानोगे कि हाथी है जब तक आपको पूरा नहीं दिख जाएगा। हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर देखना पड़ेगा और रिसर्च करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा, नया एंगल ढूंढना पड़ेगा। हाँ, वी आर ऑन दैट। हाँ, नहीं कहना कह नहीं सकते इसको अभी, बट क्या लिखा है हमने, पूरी पूरी स्टेटमेंट पढ़ना, इंडिकेटिंग, ठीक है, वो है की वर्ड इधर। हाँ, इंडिकेट कर रहा है वो कि इधर हो सकता है, देयर इज एन एलिफेंट, इंडिकेटिंग। मतलब बेसिकली हम क्या ट्राई कर रहे हैं ना यहाँ पे, हम सरफेस और सरफेस फिनोमिना और कोर फिनोमिना को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉजिकली तो हमें समझ में आता है कि अर्थ में लिंक तो होगा तो है ही डेफिनेटली। एक समय तक हमने वो कौन सी वैगनर थ्योरी है, वो क्या थ्योरी है जो वो प्लेट टेक्टोनिक्स की है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, है ना, तो वो कितने टाइम बाद हमें पता लगा था। हाँ यस, बट इट वॉज अ स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट लिख लीजिए, इट हाइलाइट्स अ डायनेमिक
कैसे लिखेंगे, कोर मेंटल इंटरेक्शन, सो दैट इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रिलिम्स और मेन्स में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं. अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ. लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024. इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू. नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा. क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन, काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी. नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं. दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग. नेक्स्ट, यू गेट वीकली पीडीएफ्स. जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर उसको वीकली पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो. इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है. लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट. जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट. दिस इज द त्रिशूल मॉडल. अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज द कंप्लीट कोर्स. इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो. अगर आपने सोच लिया है, इफ वी हैव ड्रीम्ड इट वी कैन डू इट. जिद से जीत तक.